फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड, आज करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए लसित मलिंगा, ऑप्शन नंबर बी दिनेश चंडीमल, ऑप्शन नंबर सी उपल तरंगा, ऑप्शन नंबर डी नुआन प्रदीप। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लसित मलिंगा। हाल ही में लसित मलिंगा ने क्रिकेट के फ्रेंचाइजी से संन्यास ले लिया है। अब वे किसी भी IPL जैसी लीग में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यह है लसित मलिंगा। इन्होंने IPL में अब तक 122 मैच खेले हैं, जिनमें से 170 विकेट इन्होंने छटकाए हैं और ये IPL इतिहास के सबसे सफल बॉलर हैं। फ्रेंड, ध्यान रखेंगे इनके बारे में। चले फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी चीन। सोचिए फ्रेंड, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस। हाल ही में भारत ने रूस के साथ 21 MiG-29 और 12 सुखोई विमान खरीदने का समझौता किया है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा रूस। अब बात करते हैं रूस की, तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये सर व्लादिमीर पुतिन है। और रूस की राजधानी? तो रूस की राजधानी मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा करेंसी क्या है फ्रेंड? तो यहाँ की करेंसी रूबल है। ध्यान रखिएगा रूस के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो सोच लिया होगा फ्रेंड, चलते हैं इसके जवाब में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, जो कि हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। फ्रेंड, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेक्रेटरी थे, आपको ध्यान रखना है माइक पोम्पियो। और इनकी जगह अब वर्तमान में कौन है? तो ये हैं एंथोनी ब्लिंकन, जिन्होंने हाल ही में जो बिडेन की सरकार में ये स्टेट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट्स का पद संभाला हुआ है। फ्रेंड, और अब बात करते हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की, जो इस समय कौन है? तो इस समय फ्रेंड लॉयड ऑस्टिन को जो बिडेन ने अपनी कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री और डिफेंस मंत्री अमेरिका के दोनों, और इससे इंडिया और अमेरिका के पास 2+2 डायलॉग, एक वार्तालाप होती है फ्रेंड, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के समझौते होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और चीन की बात करते हैं, चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये सी जिनपिंग है फ्रेंड, और यहाँ की राजधानी बीजिंग है, और यहाँ की भाषा मंदारिन है, आपको ध्यान रखना है इतना। और यहाँ का राष्ट्र खेल? तो राष्ट्र खेल है टेबल टेनिस। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सी स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, अब जवाब देखते हैं इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी ग्लोबल पावर इंडेक्स में अमेरिका ने टॉप किया फ्रेंड, ये अमेरिका ने टॉप किया है फायर पावर रैंकिंग में। इनके पास विश्व की सबसे ताकतवर सेना है, इसलिए इन्होंने ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई फ्रेंड, इसमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए अमेरिका ने टॉप किया है। अमेरिका के पास आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और लगभग इनके पास 13,000 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं, और इनके पास लगभग 6,000 से ज़्यादा टैंक है। इन सबको देखते हुए अमेरिका ने इस रैंकिंग में टॉप किया है फ्रेंड। और इनकी सेना की बात की जाए तो इनके पास लगभग 14 लाख आर्मी है, जो कि तैनात रहती है। तो फ्रेंड, इसलिए अमेरिका ने इसमें टॉप किया। और दूसरे स्थान पे रूस की आर्मी, अर्थात रूस को स्थान मिला है ऑप्शन नंबर 3, जो कि चीन दिया गया है, इसको
तीसरी रैंक मिली है और चौथी रैंक इंडिया अपने भारत देश को मिली हुई है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल, ऑप्शन नंबर बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक SBI, ऑप्शन नंबर डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे कि भेल के रूप में जाना जाता है, उसे ही हाल में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड मिला हुआ है फ्रेंड। और ये ICAI अवार्ड क्या है फ्रेंड? तो ये इसका पूरा नाम होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसे स्थापित किया गया था 1949 में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसका नाम क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे फ्रेंड इसका नाम। और इसे 2019-20 वित्त वर्ष के लिए भेल को मिला हुआ है, जिसका पूरा नाम भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा इसका जवाब। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गोवा। हाल ही में गोवा में ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस को शुरू किया गया है फ्रेंड। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा के सीएम प्रेजेंट टाइम पे कौन है? तो ये प्रमोद सावंत है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर दो लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर एक राज्यसभा सीट है। इतना आपको ध्यान रखना है गोवा के बारे में। यहाँ के राज्यपाल, सीएम और लोकसभा और राज्यसभा सीट भी आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी चीज़ फंसे नहीं और आपको तुरंत आंसर मिल जाए। ध्यान रखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए दिनेश कार्तिक, ऑप्शन नंबर बी अंकित राजपूत, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन थॉमस, ऑप्शन नंबर डी संजू सैमसन। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी संजू सैमसन। हाल ही में राजस्थान रॉयल ने अपने पुराने कप्तान जो कि स्टीवन स्मिथ थे, ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको रिलीज़ कर दिया है और इसकी जगह राजस्थान रॉयल ने संजू सैमसन को अपनी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया हुआ है फ्रेंड। ध्यान रखेंगे ये क्या है? ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं और ये 26 वर्ष के हैं और ये केरल से खेलते हैं और ये राजस्थान रॉयल की टीम से, मतलब केरल में रहते हैं। इनकी जो नागरिकता है समय राज्य की वो केरल है, आपको ध्यान रखना है। और इनको ये कप्तानी क्यों मिली है? तो इन्होंने हाल ही में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिसकी वजह से इन्हें राजस्थान रॉयल की कप्तानी मिली है। और राजस्थान रॉयल ने अपने स्टार प्लेयर स्टीवन स्मिथ को रिलीज़ किया है नीलामी के लिए, जिसकी वजह से संजू सैमसन को नया कप्तान नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक 2021-20 के लिए ट्यूशन फीस कम की है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में शैक्षणिक सत्र 2021-20 के लिए ट्यूशन फीस कम की गई है फ्रेंड। अगर बात करते हैं उड़ीसा के सीएम की, तो यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल जिनको कहते हैं, तो ये गणेशी लाल हैं फ्रेंड। और लोकसभा सीट की बात की जाए यहाँ पे कितनी है? तो यहाँ पे 22 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 10 राज्यसभा सीट है, आपको ध्यान रखनी है। और सुमंगल योजना ये जो कि उड़ीसा में चालू की गई है, ये आपको याद रखनी है फ्रेंड। और सिमलीपाल अभयारण्य भी यहीं पे है और सतकोसिया अभयारण्य भी यहीं पे है, आपको ध्यान रखना है, ये उड़ीसा से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए।
चले फ्रेंड, सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं फ्रेंड। ध्यान रखना, आपको सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर याद रखिएगा फ्रेंड, सिंगापुर की राजधानी ही सिंगापुर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हलीम याकूब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की करेंसी कौन है, करेंसी क्या है फ्रेंड, तो ये सिंगापुर डॉलर है। इतनी चीज़ें आपको सिंगापुर में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी चीन। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दी है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और यहाँ पे उज्बेकिस्तान ये एक रसिया का पार्ट था कभी, अब लेकिन ये एक स्वतंत्र संबुद्ध देश है, आपको ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है फ्रेंड। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शौकत मिर्जियायेव इनका नाम है, शौकत मिर्जियायेव। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रेंड अब्दुल्ला एरिपोव, अब्दुल्ला एरिपोव इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन कहाँ चालू हुआ है, यह है क्वेश्चन फ्रेंड पूरा, और इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और गवर्नर गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और लोकसभा सीट कहाँ है, कितनी है फ्रेंड, तो ये 4 है। और राज्यसभा सीट ये कितनी है, तो ये 3 है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इतना हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, अगर आपसे पूछता है तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकें। अगला क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंध के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका जवाब, अब चलते हैं देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3, 3 इसका सही जवाब है फ्रेंड। हाल ही में अडानी समूह ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ध्यान रखना है फ्रेंड कौन कौन से, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, इन एयरपोर्ट के लिए AAI जिसको क्या क्या कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे कि मनरेगा कहते हैं के तहत कार्यों की दिवस संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 करने का विचार किया है, घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इसका सही जवाब है, उत्तराखंड इसका सही जवाब है, आपको ध्यान रखना फ्रेंड। जिसने कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिनों का काम मिलता था, अब उसके बदले 100-150 दिनों के लिए काम करने की घोषणा की है। इसके द्वारा जो पहले मनरेगा में लोग काम करते थे उनको 100 दिनों का काम मिलता था, लेकिन अब इस राज्य में उत्तराखंड में 150 दिनों तक लोगों को काम मिलेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ की गवर्नर राज्यपाल कौन है,
तो बेबी रानी मौर्या यहाँ की गवर्नर है। और लोकसभा सीट यहाँ की कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट फ्रेंड तो ये 3 है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी, सॉरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ये ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जवाब सही है। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, आपको ध्यान रखना है। और गुजरात के सीएम कौन है, तो फ्रेंड ये हैं तुम्हारे विजय रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं आचार्य देवव्रत। और लोकसभा सीट यहाँ पे कितनी है गुजरात की, तो फ्रेंड ये 26 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट यहाँ पे 11 है, ध्यान रखना है। और किसान सर्वोदय योजना कहाँ शुरू की गई, तो ये गुजरात में शुरू की गई है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है। और गिरनार रोपण वे भी गुजरात में चल रहा है फ्रेंड, जिसे कि एक प्रमुख योजना ये भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, गिरनार रोपण वे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको सलमान खान, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन नंबर डी प्रेम चोपड़ा। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सुशांत सिंह। हाल ही में सुशांत सिंह जो कि पूर्व एक्टर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड, उनके नाम पर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दिल्ली जो कि दक्षिण में एंड्रयूगंज में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा फ्रेंड, जिसका नाम सुशांत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ध्यान रखना है फ्रेंड आपको। और ये नगर निगम की मंजूरी इसके लिए मिल गई है सुशांत सिंह के नाम पर रखने के लिए इस सड़क का नाम। और फ्रेंड अगर बात करें दिल्ली के सीएम, तो ये अरविंद केजरीवाल हैं और लोकसभा सीट 7 हैं और राज्यसभा सीट 5 है। इतनी चीज़ें आपको दिल्ली से ध्यान रखनी है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग।